अयोध्या में श्रीराम का भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। श्रीराम के मंदिर बनने से पहले राज्य में योगी सरकार ने अवधपुरी का विकास, उसका कायाकल्प का मार्ग प्रशस्त किया है। अयोध्या का ये विकास इस शहर को नया स्वरूप दे रहा है। रामनगरी के चार प्रमुख पथों को चार वेद और चार युगों की अवधारणा पर विकसित किया गया है। अगर 2017 की अयोध्या और आज की अयोध्या को देखें तो आभास होता है कि वर्षों के पराभव के बाद अयोध्या किस तरह तेजी से विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रही है। और डबल इंजन की सरकार ने वो सब संभव करके दिखाया है जिसकी अयोध्या वासियों को अपेक्षा थी। अयोध्या नगरी बिल्कुल बदल गई है। अपनी प्राचीन विरासत, वैभव और मूल्यों को संजोए हुए आधुनिक अयोध्या का नया स्वरूप नजर आता है। ज्यादा दूर ना जाएं, महज एक साल पहले ही अयोध्या अपनी महिमा के साथ तो थी पर विकसित नहीं थी। पर अब पीएम मोदी के विजन पर योगी सरकार ने अयोध्या को विकसित करने के लिए कई योजनाओं पर एक साथ काम किया है। चार वेद, चार युग की प्रेरणा से बने चार पंथों ने अवधपुरी के वृहद कायाकल्प का मार्ग प्रशस्त किया है। यहाँ के चार प्रमुख पथ यानी कि भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, राम पथ और धर्म पथ चार वेदों और चार युगों की अवधारणा पर विकसित किए गए हैं, जिन्हें म्यूरल पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, पेबल स्टोन स्कल्पचर और आधुनिक लाइटिंग, वाईफाई कनेक्टिविटी समेत सौर ऊर्जा के उचित प्रयोग से वैश्विक प्रतिमान गढ़ने के अनुरूप बनाया गया है। डबल इंजन की सरकार ने अयोध्या के विकास को तीव्र गति दी। 2017 से पहले शहर में उबड़ खाबड़ गड्ढे युक्त अल्प विकसित सिंगल लेन सड़कें और संकरी गलियां ही नजर आती थी, लेकिन अब ये शहर आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर विकास के नए प्रतिमानों को गढ़ रहा है। रामनगरी बिल्कुल अलग ढंग से सज संवर रही है। आइए आपको अयोध्या में कुछ ऐसे स्थलों के बारे में बताते हैं जिनका तेजी से स्वरूप बदला है। शुरुआत रामपथ से करते हैं। ये शहादतगंज से लता चौक को नया घाट से जोड़ती है और इसकी लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। यहाँ 844 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से काम हुआ है। इसे 4 लेन किया गया है। थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो 2017 में ये सिंगल लेन के तौर पर था। उबड़ खाबड़ सड़क, बेतरतीब चलते वाहनों के कारण भीड़ भाड़ और जाम की स्थिति यहाँ पर बनी ही रहती थी, पर डबल इंजन की सरकार में यहाँ पर तेजी से विकास हुआ। नया घाट चौराहे का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण करके इसे सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का नाम दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 28 सितंबर 2022 को इस चौक का लोकार्पण किया था और यहां विशाल वीणा स्थापित की गई, जो कला के साथ ही आधुनिक अयोध्या के वैभव का पहला प्रतिमान बनी। ये अयोध्या का प्रमुख सेल्फी प्वाइंट भी है, जहाँ खुद पीएम मोदी ने भी तस्वीर खिंचवाई थी। और इस सड़क को सिंगल लेन की बजाय सुव्यवस्थित 4 लेन में कन्वर्ट किया गया है, जहां पार्किंग के लिए भी उत्तम व्यवस्था की गई है। इसके बाद हम जन्मभूमि पथ पर आते हैं। ये मार्ग बिरला धर्मशाला से होते हुए राम जन्मभूमि मंदिर तक का है। लगभग 41 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पथ की लंबाई लगभग 600 मीटर है। ये सुग्रीव किले से शुरू होकर जन्मभूमि तक का मार्ग है। ये डबल लेन वाला मार्ग है और 2017 से पहले ये मार्ग अतिक्रमण के कारण संकरी गली के रूप में था, जहां दुकानदारों के अतिक्रमण के कारण तीर्थयात्रियों को धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ना पड़ता था, लेकिन अब यहां की स्थिति बदल गई है। इस मार्ग को डबल लेन बनाने के लिए अतिक्रमण हटाया गया और सड़क चौड़ीकरण किया गया। अब यहां सीसीटीवी के जरिए स्मार्ट सर्विलांस की व्यवस्था भी शुरू हो गई है। ये हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस जोन भी है, जहां 5G के साथ ही वाईफाई की भी सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। पर अब बात कर लेते हैं भक्ति पथ की। ये मार्ग श्रृंगार हाट से हनुमान गढ़ी तक का है और ये जन्मभूमि पथ की तरह ज्यादा लंबा नहीं। इसकी लंबाई कुछ 742 मीटर है और अब ये 4 लेन मार्ग है। इसके लिए 68 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। 2017 में ये सिंगल लेन की सड़क थी, जहां भरपूर अतिक्रमण था, ट्रैफिक जाम रहता था और साफ सफाई का भी अभाव था, लेकिन अब 2024 में स्थिति बदल गई है। अब ये 4 लेन रोड में परिवर्तित हो गया है और इस पर से अतिक्रमण हटा दिया गया है। यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रकार की अवस्थापना सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है और ये भी शहर का एक खूबसूरत इलाका है।
अयोध्या में धर्मपथ लता मंगेशकर चौक से गोरखपुर हाईवे तक का लगभग 2 किलोमीटर लंबा मार्ग है। यहाँ लगभग 65 करोड़ रुपए से निर्माण कार्य किया गया है और अब यहाँ पर 4 लेन है। 2017 से पहले यहाँ भी दूसरे मार्गों की ही तरह कई प्रकार की असुविधाएं थी। छोटे और संकरे मार्ग में ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी ही रहती थी। यहाँ डीजल युक्त कमर्शियल वाहन ही चलते थे जिससे पर्यावरण में प्रदूषण भी फैलता था, लेकिन अब धर्मपथ का नजारा कुछ और ही है। इस मार्ग को चौड़ीकरण प्रक्रिया के जरिए 4 लेन में कन्वर्ट किया गया है और यहाँ भव्य द्वार का भी निर्माण किया गया है। अब यहाँ पर ज्यादातर पब्लिक कंप्यूटिंग और कमर्शियल व्हीकल्स CNG आधारित हैं और यहाँ EV परिवहन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इसे सौंदर्यीकरण के जरिए व्यापक रूप से विकसित कर भव्य रूप प्रदान किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क नेटवर्क 10।